ताजा जो बहुत परेशान था और हमेशा परेशान रहा करता था। एक बार उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों की परेशानियां देखूं, और वो भेष बदलकर अपने साम्राज्य में घूमने लगा। घूमते घूमते उसने देखा कि एक किसान अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम कर रहा था, और कुछ देर बाद वो किसान एक झाड़ के नीचे आकर बैठकर खाना खा रहा था। राजा ने सोचा, मैं तो परेशान हूं ही, मैं थोड़ा बहुत दुखी भी हूं, क्यों ना मैं इस किसान को खुश कर दूं, और उसने सोचा मैं इसे 4 स्वर्ण मुद्राएं दे दूं। किसान के पास जब वो राजा गया तो उसने किसान से कहा कि आपके खेत के मोड़ पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थी, ये आपकी ही होगी, इसीलिए मैं आपके पास लेके आया हूं। तो किसान ने कहा कि नहीं, ये तो मेरी है ही नहीं और मुझे इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो उस राजा के भेष उस व्यक्ति ने, मतलब जो राजा था, उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, स्वर्ण मुद्राएं, लक्ष्मी की भला किसको जरूरत नहीं होगी। तब वो किसान ने कहा, नहीं, मुझे इस लक्ष्मी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत करके रोज अपना जितना लगता है उतना कमा लेता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम ऐसा कितना कमा लेते हो। तो उस किसान ने कहा, 4 आने। तो उस व्यक्ति ने उपहास के स्वरूप में बोला, उस 4 आने में तुम भला क्या क्या ले लेते हो। तब उस किसान ने उस राजा को, जो सामान्य भेष में व्यक्ति बन के आया था, उनको उत्तर दिया कि मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूं, मैं 2 आना कर्जे का दे देता हूं, मैं 3 आना उधार में दे देता हूं, और मैं 4 आना जमीन में गाड़ देता हूं। यह सुन वो राजा अचंभित हो गया। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि किसान ने क्या उत्तर दिया है, और किसान इतना बोलकर वहां से निकल गया। राजा कुछ पूछते, कुछ समझ के लेते, किसान वहां से जा चुका था। तब राजा अपने दरबार वापस पहुंचता है, और दरबार में सभी दरबारियों को अगले दिन सभा में बैठा ला जाता है, और उनसे यह सवाल किया जाता है कि उस किसान ने जो उत्तर दिया उसका क्या मतलब है। लेकिन कोई भी दरबारी उस किसान के उत्तर को नहीं समझा पाता, और फिर उस किसान को ढूंढने का निर्णय किया जाता है। उस किसान को ढूंढकर उस दरबार में पेश किया जाता है, और राजा उस किसान से पूछता है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा। तब किसान कहता है, मैंने कहा कि मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूं, मतलब मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसे रख देता हूं, उसमें खर्च कर देता हूं। मैंने कहा कि मैं 1 आना कर्जे का दे देता हूं, तो उसका अर्थ है कि मैं अपने माता पिता की सेवा के लिए उसे 1 आने को रख देता हूं, जो मेरे माता पिता के काम आएंगे। मैंने कहा कि मैं 1 आना उधार में दे देता हूं, मतलब यह है कि उस पैसे को मैं अपने बच्चों की शिक्षा और दीक्षा में लगा देता हूं। और मैंने आखिरी में कहा कि मैं 1 आना जमीन में गाड़ देता हूं, मिट्टी में गाड़ देता हूं, तो इसका अर्थ है कि मैं उसे बचा लेता हूं, उसे छुपा देता हूं, ताकि जब मुझे जरूरत हो, मेरे जीवन में तकलीफ आए, तो मैं उसे यूज कर सकूं। राजा को किसान की बात सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है, और वो समझ जाता है कि जीवन में 1,00,000 पैसा कमाने के बाद भी सुख और समाधान नहीं मिल सकता, जब तक कि हम उसका अच्छे से व्यवस्थापन ना करें। दोस्तों, हमारे जिंदगी में भी सेम ऐसे ही होता है। हमारी आमदनी तो बढ़ते जा रही है, लेकिन हमारी संतुष्टि कम होते जा रही है, हम और असमाधानी होते जा रहे हैं, हम दुखी होते जा रहे हैं, क्योंकि हम भी अपने पैसों का उचित व्यवस्थापन नहीं कर पाते। हमें लाइफ को बैलेंस बनाकर चलना है, हमें हर मैनेजमेंट बनाकर चलना होगा, तब हम भी खुश रह पाएंगे। नहीं तो अगर हम 1,00,000 रुपए कमाते रहेंगे और हम कभी व्यवस्थापन नहीं करेंगे, कभी मैनेजमेंट नहीं करेंगे उस किसान की तरह, तो हम भी अपने जीवन में उस राजा की तरह दुखी और असमाधान ही रहेंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपको कोई मैसेज देके गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, रोज सुबह 7 बजे इस चैनल पे मैं रोज नई कहानी लेके आता हूं, तो इस कहानियों को जरूर सुने और शेयर भी करें। जय हिंद।